रामगढ़ चंदौली से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। लाभार्थियों ने डीएम कार्यालय में ज्ञापन देकर आरोप लगाया है कि एडीओ अरुण कुमार ने जबरिया कागज पर हस्ताक्षर करा के उन्हें पायल और बिछिया नहीं दी। लोगों ने मामले की जांच कराने की मांग की है। दरअसल बीते 10 जून को जिला प्रशासन के द्वारा सदर ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें अधिकारियों के द्वारा 98 जोड़ों की शादी कराई गई, परंतु शादी संपन्न होने के लगभग 3 महीने बाद इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का जिन बाहर आ गया। आरोप है कि लाभार्थियों से एडीओ अरुण कुमार के द्वारा कागज पर हस्ताक्षर कराने के बाद पायल और बिछिया नहीं दी गई। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। सीसा सिंह नाम है। आप डीएम कार्यालय आए हैं, क्या समस्या आ गई है? सर हमको पैसा मिल गया है, सामान भी मिल गया है, बिछिया पायल बच्चे ही मिलने के लिए। कहाँ शादी की है? ब्लॉक में। सामूहिक विवाह के तहत? हाँ सामूहिक विवाह। तो यहाँ डीएम कार्यालय में आपने क्या फॉर्म दिया? कौन कौन बात मतलब क्या करने हुआ वो बताएंगे? बस बिछिया पायल मिलना है और कुछ नहीं, पैसा मिल गए हैं, सामान मिल गया। तीजा यही समस्या कि हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है, ना पैसा मिला है, ना छागल जो भी कुछ मिलता था कुछ भी नहीं मिला है। 10 जून को शादी हुआ था, कुछ भी नहीं वो लोग बोले। रितु कुमारी जी, हमारा ये समस्या है कि हमारा शादी हुआ है 10 जून को ब्लॉक पर, वो पैसा नहीं मिला है, ना वो जो मिलता है पायल सब यही सरकारी जो मिलता है नहीं मिला है। जी एप्लीकेशन दिया है, कुछ नहीं मिला है मुझे भी।